गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मीरा आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। क्लास 3 का हिंदी में पढ़ाऊंगी और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 2, फिर से चूहा। जंगल में एक महात्मा जी रहते थे और वे आश्रम में अधिकतर समय वो प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना में ही बिताते थे। तो बच्चों हम इस कहानी को हम किताब की सहायता से पढ़ाएंगे। पार्ट 2, फिर से चूहा। जंगल में एक आश्रम था, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। वे अपना अधिकतर समय ईश्वर की प्रार्थना में बिताते थे। प्रार्थना से उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो गई थी। इससे वे कुछ भी करने में सक्षम थे। महात्मा जी एक दिन आश्रम में बैठे थे, एक चूहा आकर उनकी गोद में बैठ गया। महात्मा जी ने उससे पूछा, चूहे तू डर क्यों रहा है? चूहा बोला, हे महात्मा, मैं बिलाव से डर कर आपकी शरण में आया हूँ। वह बिलाव मुझे खा जाना चाहता है। महात्मा जी को चूहे पर दया आ गई। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए चूहे पर जल के छींटे मारे और कहा, हे चूहे तू बिलाव बन जा। चूहा उसी समय बिलाव बन गया और प्रसन्न होकर आश्रम के आसपास घूमने लगा। एक दिन उसे कुत्तों ने घेर लिया। वह डरता हुआ फिर महात्मा जी के पास आया। उन्होंने दया भावना के कारण पूछा, क्यों डर रहे हो? अब तो तुम भी बिलाव हो। बिलाव ने महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मा आश्रम से बाहर निकलते ही कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। यदि आप मुझे भी कुत्ता बना दें तो बहुत दया होगी। यह सुनकर महात्मा जी ने जल छिड़का, बिलाव कुत्ता बन गया। वह कुत्ता बनते ही भौंकता हुआ बाहर जाकर आश्रम की रखवाली करने लगा। महात्मा जी ने सोचा, इसे कुत्ता बनाकर अच्छा ही किया, अब यह किसी से नहीं डरता, आश्रम की भी देखभाल करता है। एक दिन कुत्ता उदास होकर महात्मा जी से कहने लगा, हे संत जी, आज जब मैं आश्रम के बाहर खड़ा था तब मुझ पर एक शेर झपटा। मैं दौड़कर आश्रम के अंदर आ गया, अब बाहर जाने में डर लगता है। महात्मा जी ने कुत्ते पर जल छिड़कते हुए कहा, जा तू फिर से शेर बन जा। कुत्ता उसी समय शेर बन गया। अब वो निश्चित होकर आश्रम के आसपास घूमने लगा। उसे देखकर आसपास के जीव जंतु स्वयं भाग जाते थे। आश्रम में महात्मा जी के दर्शन के लिए शिष्य आते और पूछते, महात्मा जी आपने यह शेर पाल रखा है, इससे हम सबको डर लगता है। महात्मा जी कहते, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, यह तो चूहा था, बेचारा बड़ा परेशान रहता था, मैंने इसे शेर बना दिया है, इससे किसी को डरना नहीं चाहिए, बच्चे भी निर्भय होकर इसके साथ खेल सकते हैं। शेर ने यह बात कई बार सुनी, उसे धीरे धीरे बुरा लगने लगा। उसने सोचा, महात्मा जी को अभिमान हो गया है, यह सबको बताते हैं कि यह शेर पहले चूहा था, इससे मेरा अपमान होता है, अच्छा होगा यदि इन्हीं को समाप्त कर दिया जाए, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बच्चों ये मुहावरे हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
यह सोचते सोचते शेर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से क्रूरता टपकने लगी। जैसे ही उसके मन में महात्मा जी पर झपटने का विचार आया, वैसे ही महात्मा जी को पता लग गया। उन्होंने जल लेकर शेर पर छिड़का और कहा, तू फिर से चूहा हो जा। जल छिड़कते ही वह फिर से चूहा बन गया। चूहा बनते ही उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। स्वयं खुद अभिमान, घमंड, उदास, दुखी, रखवाली, सुरक्षा, जल छिड़का, पानी के छींटे मारे, चूर चूर, चूर चूर, समाप्त। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट को आप लोग कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए और बार बार पढ़िए और याद कीजिए और हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, महात्मा जी कहाँ रहते थे? उत्तर होगा, महात्मा जी आश्रम में रहते थे। प्रश्न नंबर दो है, उन्हें चूहे पर दया कब आई? उत्तर होगा, जब चूहा आकर महात्मा जी की गोद में बैठ गया तब दया आई। प्रश्न नंबर तीन होगा, चूहा महात्मा जी की दया से क्या बन गया? उत्तर होगा, चूहा महात्मा जी की दया से बिलाव बन गया। प्रश्न नंबर चार है, शेर को अपमान क्यों लगने लगा? उत्तर होगा, महात्मा जी करते तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो चूहा था। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन है? महात्मा जी ने फिर से जल छिड़का, हमारे लिए छिड़का, बिलाव कुत्ता बन गया। दूसरा है ख, अब बाहर भटियाए बाहर जाने में डर लगता है। ग, मैंने इसे शेर बना दिया है। घ, यह सोचते सोचते शेर का चेहरा बदल गया। च, चूहे बनते ही उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। अभ्यास प्रश्न का हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्दों से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें क है, जिसे कोई रोग ना हो निरोगी। ख है, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो विद्वान। ग है, जो देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी। घ, जो मान करने के योग्य है माननीय। च, देखने योग्य वस्तु दर्शनीय। तो मेरे प्यारे बच्चों,